हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज जो है नुआखाई त्यौहार है। नुआखाई त्यौहार जो कि पश्चिम ओडिशा का सबसे बड़ा त्यौहार, और ये त्यौहार में क्या होता है कि हम लोग जितना भी ओडिया है, पश्चिम ओडिशा वासी जितना भी हम लोग हैं, हम लोग का नुआखाई में चाहे कोई भी कहीं पर भी रहे, कितना भी दूर में रहे, लेकिन ये नुआखाई पर्व में हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, और बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से ये नुआखाई त्यौहार हम लोग पालन करते हैं। ये नुआखाई त्यौहार एक्चुअली में क्या है कि नुआखाई का मतलब है कि हम लोग जो नया धान जो निकलता है, नया धान को हम लोग आज ही के दिन यानी कि गणेश चतुर्थी के अगले दिन हम लोग नया धान खाते हैं परिवार का साथ में बैठ के, और इसी तरह से ये नुआखाई त्यौहार को हम लोग पालन करते हैं। और ये त्यौहार जो है दोस्तों, ये पश्चिम उड़ीसा का सबसे बड़ा त्यौहार है नुआखाई त्यौहार। चलिए आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि ये त्यौहार कैसे पालन करते हैं और कैसे हम लोग ये त्यौहार को मानते हैं। तो उधर हम लोग का प्रसाद रेडी हो रहा है और इधर हम लोग का जो पूजा का सामान है वो सब रेडी कर रहे हैं पूजा करने के लिए। ये आप देखिए, फूल, अगरबत्ती, घी, जो भी दरकार है हम लोग यहाँ रेडी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर बाहर में भी देखिए, यहाँ पर अभी दिया जलेगा, दिया चावल जो भी हम लोग जो बाहर में भी पूजा करते हैं, घर में भी पूजा होता है, बाहर में भी पूजा होता है, तो ये बाहर का अभी रेडी कर रहे हैं यहाँ पूजा करने के लिए। यहाँ पर अभी गोबर दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो प्रसाद है अभी यहाँ रेडी हो रहा है। प्रसाद में ये नया धान और उसके साथ में चावल और चीनी, ये तीनों को मिला के अभी पीसेंगे और उसी को प्रसाद का रूप में हम लोग खाते हैं। चलिए आइए आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये त्यौहार में हम लोगों को धान जो है ये खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, नया धान का साथ में चावल और चीनी, ये अभी प्रसाद बन रहा है। और इधर मेरी मिसेस को आप देखिए, वो जा रही है आगे आगे, और ये घर का बैक साइड से हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही हम लोग घर से निकले कैसा बारिश चालू हो गया, और ये मेरा छाता भी उड़ गया। ए छोटा, नहीं जा छुटको। तो ये देखिए, हम लोग अभी बाहर में पूजा किए, घर का जो पूजा था वो पूजा ख़त्म हो गया है, और बाहर का जो पूजा अभी कर रहे हैं ये भी ख़त्म हो चुका है, और अभी ये बाहर का पूजा है। तो नुआखाई त्यौहार में अपना अपना कुल देवी कुल देवता का पूजा होता है, और हमारे जो पूर्वज होते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं हैं उनका भी पूजा किया जाता है।
तो घर का पूजा ख़त्म करने के बाद मैं अभी पापा का फ़ोटो पे अभी पूजा उजा किया, और ये देखिए ये मेरे पापा हैं। ऐसे ही हम लोग निकले भैया घर जाने के लिए, तो इधर बारिश स्टार्ट हो गया है। तो मैं अभी भैया का घर गया, और भैया का घर जाने का बाद में भैया, भाभी, मैं और मेरी माँ वहाँ से फिर रिटर्न आए हम लोग, और रिटर्न आने का बाद में मिल के यहाँ पर पूजा किए। पहले भैया भाभी पहले पूजा किए, उसके बाद मैं और मेरी माँ हम दोनों पूजा किए, घर में भी और बाहर में भी। और बाहर का जो वीडियो है दोस्तों मैंने आपको दिखाया, और अंदर का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि घर का अंदर जो पूजा होता है वो सार्वजनिक नहीं है, उसको हम लोग नहीं दिखा सकते। और अभी फिर पूजा ख़त्म करने के बाद फिर जा रहे हैं भैया घर में, तो मेरी मिसेस को तो मैं छोड़ के आया हूँ भैया घर में ही, और माँ, मैं, भैया भाभी चारों आए थे, वो दोनों तो चले गए, और मैं और मेरी माँ अभी जा रहे हैं। तो बाकी दिन उतना बारिश नहीं हुआ, और आज ही के दिन देखिए कैसा बारिश हो रहा है, ये कंटिन्यू 2 घंटा हो चुका है कंटिन्यू बारिश हो रहा है यहाँ पे। और काम का दिन या फिर पूजा पाठ का दिन तो इधर उधर तो होना पड़ता है, तो इधर उधर हो के मैं भी थोड़ा सा भीग गया हूँ, माँ भी भीग गई है, और भैया जो है वो तो पूरा ही भीग चुका है। आइए चलते हैं और देखते हैं घर में क्या कर रहे हैं। तो मेरी माँ जो है वो भीग गई है, और अब ये देखिए अभी बैठी हुई है, और इधर देखिए दोस्तों भैया जो है पूरा भीग चुका है पानी में, कहीं पानी में भीगने का कारण तबीयत ना खराब हो जाए। सब अपना अपना काम में बिजी हैं। और पीछे साइड में मेरी वाइफ जो है वो खाना बना रही है, और भाभी इधर हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। तो मेरे को अभी भूख लग रहा है, लेकिन हम लोग का क्या है कि जब तक हम लोग प्रसाद नहीं खाएंगे तब तक कुछ खा नहीं सकते, प्रसाद खाने का बाद ही कुछ खा सकते हैं। और माँ भीग गए, उसके लिए ठंडा लग रहा है शायद। कपड़ा है लाने की तू चेंज कर थी तू? वही भीगा कपड़ा में ही बैठी हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रसाद जो है प्रसाद खाने का बाद ही हम लोग बाकी खाना पीना हो या चाय नाश्ता कुछ भी कर सकते हैं, उसका पहले हम लोग कुछ खा नहीं सकते। तो ये हम लोग का प्रसाद भी अभी रेडी हो गया है, और हम लोग का फैमिली अभी बैठे हुए हैं प्रसाद खाने के लिए। ये देखिए आप लोग, और मैं भी खा लेता हूं दोस्तों, कि भूख भी लग रहा है, जल्दी से प्रसाद खा लूँगा तो उसके बाद मैं भी कुछ खा सकता हूं। और प्रसाद में आपको देखिए ये खीर है, नारियल, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है नया धान, चावल और चीनी को मिक्स करके उसको पीसा गया है, और आज का दिन में ये खाना बहुत ज़रूरी है।
और ये प्रसाद जब भी आप खाएंगे तो ये इस पत्ता में ही खाना पड़ता है, इसको कुरई पत्ता बोलते हैं, ये पत्ता में ही प्रसाद खाया जाता है हर घर में। तो ये प्रसाद खाने का बाद नियम है दोस्तों कि बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, तो अभी मैं जाता हूँ और बड़ों का आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो अभी ये मछली शाम के लिए रेडी कर रहे हैं, शाम को बनेगा। और अभी जो है मटन बन रहा है घर में। तो हम लोग अभी खाना खा लेते हैं दोस्तों, टाइम। तुम अभी जैसा देखे कि हम लोग सब एक साथ बैठ के खाना वाना खाए, तो ये जो त्यौहार है दोस्तों नुआखाई त्यौहार, ये त्यौहार में ऐसे ही सब परिवार आपस में मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, ये एक साथ खाते पीते हैं। और मेरा तरफ से और मेरा परिवार का तरफ से आप सभी लोगों को नुआखाई का जुहार।